का पटना से क्रांतिकारी प्रणाम। जितने भी भाई मेरे हैं आज माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी से सभी शिक्षक संगठनों की बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जो वार्ता हुई है वो सब पूरा बिहार का लाखों शिक्षक जानना चाह रहे हैं। आज सीधा पटना से हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं और उस वार्ता पर आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। तो तमाम जो हमारे भाई बहन जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले राइट साइड में शेयर का बटन है, आप तमाम लोगों को शीघ्र से शेयर करके जुड़िए और जो आपके मन में उत्सुकता है कि क्या हुआ, इतना बड़ा आंदोलन चला, लगातार आप संघर्ष के मैदान में डटे हैं, आपके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है, निलंबन हो रहे हैं, वेतन रोका जा रहा है, तमाम दमनात्मक कार्रवाई चल रही, उस बीच में सरकार के साथ वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज वह वार्ता हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पहल किया था और हम लोगों को बुलाया था। हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जितने भी शिक्षक संगठन थे सब पहुंचे थे। उन्होंने 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को बुलाया था तो सारे लोगों वहां गए। तमाम लोगों की राय से 8 सूत्री मांग पत्र जो आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर चल रहा होगा, वो मांग पत्र उनको विधिवत रूप से समर्पित किया गया। बिहार शिक्षक एकता मंच के राज्य के संयोजक श्री प्रदीप कुमार पप्पू जी के द्वारा उसके बाद जितनी भी बातें थी जी द्वारा रखा गया सबसे पहले, फिर जितने संगठन के लोग थे वो सब अपनी बात को वहां रखे। आपका भाई आनंद कौशल सिंह शुरुआती दौर में ही क्यों मांग रहे हैं हम बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, इस पर तर्क के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री को समझाने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि सरकार के तरफ से वार्ता में आज आमंत्रित करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समझने का कोशिश किया है कि जब सरकार शिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजित शिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजित शिक्षक नाराज क्यों। नाराजगी का कारण आज उनको बताया गया रिटर्न में और उपस्थित होकर के हम लोगों ने अपनी नाराजगी का कारण रखा। सबसे पहला मांग जो था वह था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उसको हम लोगों ने उनके समक्ष डिफाइन किया। आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच में, तमाम भाई में उत्सुकता है, तमाम हमारी शिक्षक शिक्षिका बहनों में उत्सुकता है, सब लोगों को शीघ्र जोड़ लीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है, इम्पोर्टेंट वार्ता हुई है और अति आवश्यक सूचना हम शेयर कर रहे हैं, इसलिए जो भी बात वहाँ हुई है वही बात अक्षर से आपके सामने रख रहे हैं। आप कृपया करके सब लोगों को शीघ्र जोड़ें, राइट साइड में शेयर का बटन है उसको शीघ्र जोड़ने का कृपा कीजिए। सब लोग जुड़ जाइए, घर में हैं आराम से हैं शीघ्र जुड़िए, जितने भी भाई हैं अभी तक जुड़े नहीं हैं, जितने भी भाई हैं सब लोग शीघ्र जुड़ जाइए, मेरा यही अनुरोध है और आप लोगों से आग्रह है कि जो आप लोगों ने ऐतिहासिक संघर्ष इस विपरीत परिस्थिति में 13 फरवरी को पटना पहुंचकर किया है वह सफलता की ओर बढ़ने लगा। आप लोग के अंदर में है वह साहस और क्षमता था जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवश हो गई। आज जो वार्ता हुई है उसमें हम लोगों ने अध्यक्ष खास करके सभी संगठन के लोग अध्यक्ष ने रखा है, आनंद कौशल ने रखा है सबसे पहले कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसलिए दिया जाए परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है या स्पष्ट रूप से समझा दी गई है। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात आज तक समझाई नहीं था कि परीक्षा के बिना राज्यकर्मी का दर्जा हमारा मांग है, आज वह समझे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा इन लोग जो मांग रहा है उसके पीछे है कि ये परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम लोग बहाली के बाद SCERT के द्वारा जो शिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान है उसके द्वारा हम लोग का दक्षता परीक्षा लिया गया और उसको जो पास किए हैं वह आज नौकरी में। 2012 में
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा टीईटी की परीक्षा ली गई और उसको पास करके सब नौकरी में आए। तो जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एससीईआरटी के द्वारा हम परीक्षा दे करके उसको पास करके 7 साल की सेवा में आए हैं, फिर हमारी परीक्षा लेना, यह इसका कोई औचित्य नहीं। तमाम तर्क उनको दिया गया कि हम क्यों परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, कोई परीक्षा से हमें डर नहीं है, लेकिन 60 साल की नौकरी में 60 बार कोई परीक्षा नहीं देगा, एक बार परीक्षा दिया है और तर्क के साथ आपके पास बीएससी भी परीक्षा ली है, फिर बीएससी भी ही परीक्षा लेगी, ये कैसा सरकार का नियम है? इसका कोई भी संवैधानिक रूप से कहीं इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि बार बार परीक्षा एक नौकरी के लिए लिया जाए। और उन्होंने इस बात को समझा। स्थानांतरण जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाखों शिक्षिका बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कगार पर पहुंच गया, उनका जीवन, ससुराल पक्ष के लोग नाराज हैं, मायके में उनको कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया, हमारे जो दिव्यांग शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे तमाम जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं। 2020 की नियमावली में बहुत बड़ा संघर्ष करके हम लोग ने ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया, उसको लागू करने के बजाय एक नई नियमावली लाकर के खत्म कर दिया जाता है। इस बात को उनको भली भांति हम लोग परिभाषित करते हुए समझाया, आप लोगों के स्थानांतरण के मुद्दे पर, बिना राजकर्मी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर प्रमुखता के साथ तर्क के आधार पर, एविडेंस के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने लिखित रूप से, मौखिक रूप से तर्क को रखा गया। उसके बाद तमाम तरह की जो बिहार में कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे 13 तारीख के संध्या में जो FIR दर्ज हुआ, शिक्षा विभाग जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो शिक्षकों को निलंबित किया जा रहा है बिना किसी दोष का, वेतन स्थगित किया जा रहा है, वेतन कटौती किया जा रहा है, तमाम तरह का जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के द्वारा कि जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं, खास करके AK पाठक जी, उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उनके ऊपर नियंत्रण सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रद्द करे। स्कूल का समय जो पहले था वही निर्धारित किया जाए, उसका भी तर्क दिया गया, अवकाश तालिका पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया। वार्ता के बाद तमाम बिंदु को, चाहे प्रोन्नति हो या जो कुछ भी आपकी मांग थी, सबको रखा गया। मुख्य रूप से परीक्षा हम नहीं देंगे, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, इस पर जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी के बातों को सुनने के बाद अपना वक्तव्य दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार 2005 से लेकर शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की बहाली कर रही है, उनको सब चीज देने का काम कर रही है, फिर भी हमारे विभाग के द्वारा क्या ऐसा मिस्टेक हो जा रहा है कि शिक्षक सरकार से नाराज रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब हम दे रहे हैं आपको और फिर भी आप हमसे नाराज हैं, तो इस नाराजगी को अब हम दूर करेंगे। हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके जो समस्या है उसका समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वार्ता के बाद कि ये हमको दिल्ली जाना है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए कल ही हम इस पर अपना जो बात आप लोगों से आया है, जो मांग पत्र आया है, उस पर बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान कैसे किया जाए, इस पर कल ही हम विचार करेंगे, कल ही हम संबंधित तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। मतलब 24 घंटा, मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथनानुसार आपकी जितनी भी मांगे थी, खास करके बिना परीक्षा, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, उस पर उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचने का आश्वासन आज स्पष्ट रूप से दिया है अपने वक्तव्य में सभी के बातों को सुनने। साथियों, आज मेरे भाई बहन, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन, हम शुरू से कह रहे कि परीक्षा देने से कोई नियोजित शिक्षक घबरा नहीं रहा, लेकिन हम 60 साल की एक नौकरी में कितनी बार परीक्षा देंगे, जब हमारा परीक्षा SCERT ले लिया है,
जब हमारा परीक्षा बीएससी भी ने ले लिया है तो फिर हमारे ऊपर परीक्षा लाद करके हमको नौकरी से निकालने का जो प्रावधान किया जा रहा है, यह इसका कोई औचित्य नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है, या जितना भी माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे इधर जाकर लिया गया फैसला है। मत कीजिएगा, लाइव है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए बुलंदी से अपनी आवाज को उठाने का जरूरत था। और आप लोगों ने 13 फरवरी को बिहार विधानसभा के समक्ष पहुंचकर जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है उसका नतीजा है, उसका फलाफल है कि आज सरकार आपसे बात कर रही है और बात करके आपकी बात को समझ करके यह कह रही है कि आज हम समझे हैं कि आप परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज के पहले उन्होंने बताया कि आज के पहले हम सोच रहे थे कि ऑफलाइन कर देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, डेट खत्म हो रहा है इसको बढ़ा देंगे फॉर्म भरने का तो आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा, लेकिन आज इस बैठक में हमको पता चला है कि आप परीक्षा दे चुके हैं पहले से, इसलिए परीक्षा का आपके लिए औचित्य नहीं बनता है, यह बात आज हम यहाँ पे आने बैठक में समझे। तो सबसे बड़ी बात रही कि हम लोग जो बार बार कह रहे थे कि हम नियोजित शिक्षक कोई परीक्षा से डरते नहीं, लेकिन 60 साल की जब नौकरी हो चुकी है पिछली नियमावली में और उसके लिए जब हम परीक्षा दे चुके हैं तो हम परीक्षा क्यों देंगे। दूसरी बात, हमने जब अपने वक्तव्य में यह बात उनसे कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो नियमावली आई है उसमें हमारे वेतन में 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, तो ये गैर कानूनी तरीके से परीक्षा का क्या आवश्यकता है और किस लिए परीक्षा, 1 रुपया का हमारा वेतन बढ़ नहीं रहा है। हमारा जो पहले ईपीएफ मिलता था वह ईपीएफ का प्रावधान को खत्म करके सिर्फ एनपीएस किया गया है, तो आप ये समझिए ना कि हमारा जो वेतन है उसमें तो 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया, तब उन्होंने कहा कि यहाँ कहीं कहीं कुछ कमी रह जा रही है निर्णय में, जिसके चलते नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज चलते हैं, इस नाराजगी को आप खत्म करेंगे, यह इच्छा शक्ति उन्होंने प्रकट की। सबसे बड़ा बात रहा कि इसके लिए ज्यादा उन्होंने लटकाया नहीं, अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि हम कल ही इस पर बात रखेंगे उचित फोरम पर और समाधान क्या निकलेगा। आप लोग बात रखे हैं कि परीक्षा बिना दिए राजकर्मी चाहते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण कि जो भी नियोजित शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का उन्होंने स्पष्ट रूप से समर्थन किया अपने वक्तव्य में और कहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण तो होना ही चाहिए, ये बड़ी बात है। और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा कि अब हम जब विपक्ष में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जब सरकार में आ गए हैं तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके समस्या का हम समाधान कराएंगे, यह हमारा कर्तव्य भी है। तो ये बहुत सकारात्मक बात हुई है। अब देखिए जो बात उन्होंने कहा तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो मांग था उस पर उन्होंने उसको समझते हुए उसका समाधान करने के लिए सरकार के स्तर पर रास्ता निकालने का प्रयास करें। हमको लगा है आज बात का उनसे जो उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उससे हमको लगा है हम तमाम साथी को कि यहाँ वार्ता में आने के पहले वो सरकार के मुख्यमंत्री से भी और माननीय मुख्यमंत्री से भी और माननीय शिक्षा मंत्री से भी कुछ बातें कर किया है और कल जो है अपने सारे विषयों को समझने के बाद कल यानी 16 फरवरी को वह पुनः इस संदर्भ में विभाग से और तमाम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं उससे बात करके समाधान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको परसों दिल्ली जाना है, हम फिर बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम इसको कल ही करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि इसको लटका भी नहीं रहे हैं आपकी समस्या को जानने के बाद, 1 महीना के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे, उन्होंने 24 घंटा के अंदर में एक तरह से इस मामले को सरकार के समक्ष रख करके, माननीय सरकार का मतलब है उप मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के समक्ष रख करके उसका समाधान निकलवाएंगे। स्कूल का समय पूर्ववत किया जाए, जो अवकाश तालिका है वो लागू किया जाए, ये पूर्ववत किया जाए और ये तो हमारे द्वारा रखा गया। फिर जो है मंत्रीगण ब्रजवासी जी हैं उन्होंने जो है अन्य राज्यों का भी हवाला दिया, तमाम तरह का जो के पाठक के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है नियम कानून के विरुद्ध उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से उन्होंने ब्यौरा भी प्रस्तुत किया और सभी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष चाहे केशव कुमार जी हों, राजू सिंह जी हों, मार्कंडे पाठक जी हों या हमारे प्रमोद यादव जी हों और शशि रंजन सुमन जी हों,
अमित विक्रम जी हो, तमाम जो हमारे साथ 11 सदस्य गए थे, आनंद मिश्रा भी थे और भी लोग जो संघ शिक्षक एकता मंच की तरफ से 11 लोग अधिकृत होकर गए थे, वो सब लोग बारी बारी से अपनी बात को रखे। खास करके हम FIR जो कल भाजपा कार्यालय के पास 13 तारीख को हुआ है उसमें गलत मनगढ़ंत का आरोप लगाया गया है, इसको भी संयोजक महोदय प्रदीप कुमार पप्पू के द्वारा भी रखा गया और हम भी पुनः इसको रख करके उनसे कहे हैं कि आप CCTV फुटेज निकाल के देख लीजिए, तमाम एविडेंस आपके पास है और हम लोगों के ऊपर जो FIR हुआ है उसको वापस करवाइए, जितना भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए इसको वापस करिए। अब देखना ये होगा कि क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो आश्वासन दिए हैं उस पर क्या समाधान निकलता है, और समाधान अगर निकलता है तो किस रूप में हमारे बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा की मांग को वह पूरा कर रहे हैं। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज था और जो दृढ़ता उनके द्वारा दिखाया गया अपने वक्तव्य के दौरान, उससे एक बात स्पष्ट था कि वो चाहते थे कि शिक्षक को हम नियोजित शिक्षक को हम ही बहाल किए हैं, फिर भी नियोजित शिक्षक NDA सरकार से नाराज है तो उसका नाराजगी दूर किया जाए, ये एक मुख्य बात उनके वक्तव्य के दौरान निकल करके सामने में आया है। और जब उनका वक्तव्य हो रहा था तो तमाम हम लोगों का बात, हमको लगता है कि 1 घंटा से अधिक 1.25 घंटा के आसपास हमारी उनके साथ हम लोगों ने अपने बातों को रखा है और 1.25 घंटा के बाद काफ़ी देर तक 1.25 घंटा के बाद काफ़ी देर तक उन्होंने भी बिंदुवार अपनी बातों को रखने का काम किया है। मेरे भाई मेरे बहन, जो संदेश हम दे रहे हैं वही वहां पे बात हुई है, राइट साइड में शेयर का बटन है, एक एक शिक्षक तक ये पहुंचाइए और तमाम क्रांतिकारी बिहार के लाखों लाख शिक्षक, चाहे वह किसी भी संगठन से जुड़े हों, बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे चल रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं कि ये जो वार्ता का अवसर प्रदान हुआ है हम लोगों को, ये आपके अदम्य साहस, आपने जो इच्छा शक्ति तमाम बाधाओं के बीच पटना पहुंचकर दिखाया है, अपने चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया है, अपना दृढ़ता को दिखाया है, अपने मांग के समर्थन में पटना पहुंचकर तमाम यातनाओं को झेलने के बाद भी पटना पहुंचा है, या उसी का फलाफल। और हम लोगों को कभी भी किसी परिस्थिति में घबराने का जरूरत नहीं, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि ये चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव है, फिर आने वाले समय विधानसभा का चुनाव, लंबे समय से हमको इंतजार था कि सरकार नहीं सुन रही है, कभी तो हमारा समय आएगा, आज हमारा समय आया है और हम लोगों के लिए सुकून का बात है कि जब आपका संघर्ष हुआ बिहार विधानसभा के समक्ष और मजबूत संघर्ष आपने किया तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा, कोई भी सरकार आपके इस चट्टानी एकता के सामने ठीक नहीं सकेगी, आपकी बात मानने पर उनको विवश होना पड़ेगा और आपके तमाम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही विद्वता के साथ, हम ही नहीं रखते सभी संगठन, हमको सभी संगठन के अध्यक्ष को बराबर मौका मिला अपनी बात को रखने का, चाहे वह छोटा संगठन हो बड़ा संगठन, जितने भी संगठन हो सारे संगठन के लोगों ने अपनी बात को रखी है। सबसे बड़ी बात है इतने लंबे समय तक सारे शिक्षक संगठनों की बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुना। एक होता है कि राजनीतिक दृष्टि से सुनना, और उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से सुना नहीं, सुन करके समझा, यह बात अपने वक्तव्य में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो आज ही समझे हैं कि आप परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, क्योंकि आप पहले SCERT के द्वारा दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं, BSEB के द्वारा पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, इसलिए आपकी बात को आज हम समझे हैं कि हम आप परीक्षा इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आप पहले से परीक्षा पास हैं। स्थानांतरण की बात को जब उन्होंने समझा कि पुरानी नियमावली में 2020 के नियोजन नियमावली में जो प्रावधान अच्छी का स्थानांतरण था उसको भी लागू नहीं किया गया और आप तो खत्म करके रैंडमाइजेशन करके इतर बितर शिक्षक को करके भविष्य को और उनके घर को तबाह किया जा रहा है, यह बात उन्होंने समझा और उसके बाद स्थानांतरण का बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थानांतरण तो निश्चित रूप से होना चाहिए, यह आपका अधिकार है। अब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री अगर कहते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने उनको द्वारा यह बात सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा जाएगा और आपका बिना परीक्षा दिए किस प्रकार से राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। बंशीधर ब्रजवासी जी उसको रखे भी हैं कि दूसरे राज्यों में बिना परीक्षा, खास करके BJP शासित राज्य में ही दिया गया है बिना परीक्षा लिए,
राज्यकर्मी का दर्जा और स्थानांतरण, इसलिए उसका भी एविडेंस पेश किया गया है। और आप तमाम लोग जान लीजिए, अपनी चट्टानी एकता बनाए रखिए, राजनीति से ऊपर उठिए, संघ संगठन से इधर हटिए, संघ संगठन से इधर हटिए और बिहार शिक्षक एकता मंच को इसी तरह मजबूत किए रहिए। मेरे भाई मेरे बहन, ये अंतिम और निर्णायक संघर्ष का दौर हम लोग का है। अगर यहाँ पर हम लोग किसी तरह से पीछे छूट गए तो जीवन तबाह हो जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाम शाम से ऊपर उठिए, कोई भी अभी झंझट में नहीं पड़िए और बिहार शिक्षक एकता मंच को इसी तरह मजबूत बनाए रखिए। आज की वार्ता का जो भी विषय आपके सामने में रखना था उसको हम रखने का प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जो भी बात को उनके सामने लिखित रूप में रखा गया उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जो भी बात हम लोग मौखिक रूप से रखे उसका साक्ष्य के साथ रखे। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री समझिए उसकी, अब अगर समझ करके हम लोगों को जो आश्वासन दिए हैं उसके लिए निश्चित रूप से हमको अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम कल यानी 16 फरवरी इस पर आप लोगों को प्रयास करेंगे सकारात्मक सरकार के स्तर पर, और फिर आपको बुलाएंगे और बुला करके जो प्रयास हुआ है उसकी जानकारी देंगे। तो ये एक तरह से आज का जो वार्ता था वह पटरी पर जाता हुआ नजर आया। अब इसके फलाफल के लिए हमको जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और हम लोग उनका इंतजार करेंगे। फिर बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी के नेतृत्व में हम सभी संगठन के लोग बैठेंगे और आगे की फिर रणनीति बनाने का काम करेंगे। आप तमाम लोग से आग्रह है, चट्टानी एकता बनाए रखिए, बिना शर्त बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, यह जो मुख्य मांग था स्कूल के समय अवधि को पूर्ववत करना, अवकाश तालिका जो पहले से थी उसको बहाल करना और प्रोन्नति वगैरह जो भी मांग था आपका, 8 सूत्री मांग पत्र उसको दिया गया है, उस पर चर्चा किया गया है। बस आप लोगों से यही आग्रह है कि आपका भाई कोई भी बात इधर इधर उधर नहीं कर रहा है, जो बात वहाँ हुई है उसको रखा गया है, चाहे वह दमनात्मक कार्रवाई का हुआ। FIR आप देखे ही हैं कि हम अपनी दो बहन, भागलपुर से हमारी बहन संगठन की प्रदेश सचिव श्रीमती सुप्रिया जी और सहरसा से हमारी बहन नूतन सिंह जी, जिनको कि BJP कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था, बिना किसी बात का परवाह किए कोतवाली थाना में जा करके जिल्लत भी झेलना पड़ा, अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन बहनों को वहाँ से रिहा करा के लाए हैं। हमारे साथ उसमें भी कार्यकारी अध्यक्ष पंकज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सीतामढ़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश जी, रामचंद्र जी कार्यकारी अध्यक्ष, तमाम संघ के साथी घटे थे। इसके अलावा भी कई 10 लोग जमानत के लिए वहां पर अपना दस्तखत किए, अपना आधार कार्ड दिए, और जितने लोग हम लोगों ने अपना बहन को छुड़ाने के लिए जमानतदार बने सब के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज कर दीजिए या गोली मार दीजिए या फांसी पर लटका दीजिए, सरकार को हमारी जायज मांग पूरी करनी चाहिए और पूरी करनी पड़ेगी। हम सब मुकदमा झेलना, हम जेल में जीवन गुजार देना के लिए तैयार हैं, लेकिन पीछे इस बार नहीं हटेंगे। हमारा मांग है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक का स्थानांतरण और तमाम जो 8 सूत्री मांग दिए हैं उसको पूरा करने का। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से, बिहार का यह तब संभव होगा जब आपकी चट्टानी एकता इसी तरह बनी रहेगी और बिना डर भय के जब भी बिहार शिक्षक एकता मंच संघर्ष का आह्वान करे उसको आना है और सफल बनाना है। फॉरम अभी भरने के चक्कर में मत रहिए, वार्ता चल रही है, आप देख रहे हैं कि आपके बात को समझा नहीं गया था तो कोई कह रहा था ऑफलाइन कर दे रहा है सरकार, कोई कह रहा था समय बढ़ा दे रहा है सरकार। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए और सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि समाधान क्या निकालते हैं इसकी जानकारी आपको देंगे, उस जानकारी के लिए इंतजार करिए। और एक एक शिक्षक राइट साइड में शेयर का बटन खाली देखिए मत, ये प्लेटफॉर्म जो मेरा फेसबुक का है, सोशल मीडिया, ये आपका ना जी, इसको फॉलो का बटन दबाइए, ऊपर फॉलो का बटन है, जितने लोग जुड़े हैं सारे लोगों से अपील कीजिए, जितने हम कह रहे हैं कि कम से कम 4 लाख शिक्षक हैं, 1 लाख भी इसमें हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, फॉलो का बटन। रात दिन आदमी का जिंदगी जहन्नुम हो गया, पटना में दर दर की ठोकर खा के आपके संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और आप लोग साथ में जुड़ करके रहना भी नहीं चाहते। तमाम लोग का कहना था कि स्थानांतरण हो जाएगा,
जबरदस्ती कर देगा तो हम नौकरी छोड़ देंगे। आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ दिए हैं, बढ़ गए हैं कि कोई भी आपका जबरन हस्तांतरण नहीं कर सकता है। एक्सी का स्थानांतरण करेगा, जो बहन हमारी पटना में आके फंसी हैं उनका घर मधेपुरा है तो उनको मधेपुरा जाने का अवसर मिलेगा। ये सार्थक बातचीत आज हुई है कि स्थानांतरण आपको एक्सी प्रदान किया जाएगा। जो पहले से अपने घर में है हमारी शिक्षिका बहन और शिक्षक, उनको किसी भी परिस्थिति में दूसरे जिला में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ऐसा आश्वासन आज का वार्ता में मिला है। वह सहमत दिखे हैं एक्सी का स्थानांतरण के मामले में। तो आपको परीक्षा दिए बिना राजकर्मी का दर्जा चाहिए, इस चीज को भी माननीय उप मुख्यमंत्री समझे हैं। और एक्सी का स्थानांतरण पर तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, ये तो आपका जायज मांग है, संवैधानिक मांग है, और उसको हम लोगों ने समझा भी दिया है।